गुड मॉर्निंग दोस्तों, आइए सुबह सुबह हम अपने लिए बहुत एक हेल्दी ब्रेकफास्ट रेडी करते हैं। इसके लिए आज मैंने बनाई है टमाटो की चटनी और मूंग दाल का चीला। ये टमाटो की चटनी साउथ इंडियन स्टाइल में है और बहुत इजी है, बच्चे पसंद करते हैं क्योंकि ये खट्टी होती है। इसे बनाना बहुत ही आसान है। इसके लिए हमको जो जो सामान चाहिए वो हमारे घर में बहुत आसानी से भी मिल जाएगा। इसके लिए हमें चाहिए एक प्याज, जिसे हमने अपना काट कर रख लिया है। देखिए दोस्तों, एक प्याज है, दो टमाटर है, बहुत सारा करी पत्ता है, थोड़ा लहसुन है, हरी मिर्च है, अदरक है। दोस्तों, हरी मिर्च आप अपनी तीखी जैसा आपको चाहिए उस हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसके लिए हमें चाहिए आधे कटोरी मूंगफली, जिसे हमने भून कर रख लिया है। हाँ दोस्तों, हमें इसके छिलके नहीं हटाने हैं। मूंगफली जो है इस चटनी को एक अलग फ्लेवर देगा, जो हमें साउथ की याद दिलाएगा। हम सब इनको इकट्ठा कर लेंगे। एक कढ़ाई में हमने 2 चम्मच तेल लिया है। तेल गर्म होने के बाद सबसे पहले हम उसमें अपनी मूंगफली को डाल देते हैं, जिससे मूंगफली हमारी अच्छे से रोस्ट हो जाती है। पर याद रखिए दोस्तों, मूंगफली जलनी नहीं चाहिए। मूंगफली रोस्ट जैसी हमें स्मेल आएगी, हम उसमें अपना करी पत्ता डालेंगे। करी पत्ता डालते ही आप देखेंगे कि उसमें करी पत्ते की खुशबू आएगी। करी पत्ता जैसे ही डल जाएगा, हम उसमें हरी मिर्च डालेंगे। हरी मिर्च थोड़ी गीली सी होती है, इसीलिए इसे हमें अच्छे से भूनना बहुत ज़रूरी होता है। हरी मिर्ची करी पत्ता के बाद हम इसमें अदरक और अपना लहसुन डाल देंगे। अदरक लहसुन डालकर हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हम देखेंगे कि हमारा करी पत्ते का रंग बदलने लगा है और वो क्रिस्पी हो गया है। ये होने के बाद में हम उसमें अपना टमाटर डाल देंगे। दोस्तों, टमाटर बहुत गीला और पानी वाला होता है, इसीलिए हम इसको अपना लास्ट में डालते हैं, नहीं तो ये हमारी मूंगफली और दूसरी चीज़ों को अच्छे से तेल में नहीं सिकने देगा। ये टमाटर की चटनी है, इसीलिए इसमें टमाटर बहुत सारा डला है। दोस्तों, टमाटर डलने के बाद में हमने इसमें जीरा और नमक स्वाद अनुसार डाला है। ये अच्छे से होने के बाद में हम इसे बाजू से रख देंगे, ठंडा करके मिक्सी में पीस के, कि हमें इसका एक स्मूथ पेस्ट बनाना है। अब हम इसके छौंक की तैयारी करते हैं। उसके लिए हमने 1 चम्मच तेल लिया है, उसमें राई, थोड़ी चना दाल और थोड़ी उड़द दाल डाल दी है। दोस्तों, इसमें याद रखिए कि तेल गर्म होने के बाद ही चना और उड़द दाल डालिए, वरना वो एकदम करी हो जाएंगी, आपके दांतों से नहीं चबेंगी। इसके बाद हम इसमें करी पत्ता डाला है। करी पत्ते का जैसे ही आवाज़ और खुशबू आएगा, हम गैस बंद कर देंगे और अपनी चटनी के ऊपर इस छौंक को डाल देंगे। हमें इस छौंक को अपनी चटनी में मिक्स नहीं करना है। जब हम चटनी खाने के लिए लेंगे तो थोड़ा थोड़ा इसका छौंक भी हमारे साथ आ जाएगा, जो हमें एक अलग फ्लेवर देगा। ध्यान रखिए दोस्तों, चना दाल और उड़द दाल को हमें टाइट नहीं करना है, एकदम गर्म तेल में डालना है। ये बात आपका जानना बहुत ज़रूरी है। मैंने रात में ही खड़ी मूंग जो थी वो पानी में भिगा दी थी, जिससे मैं सुबह उसके चीले बना सकूं। देखिए दोस्तों, ये 2 कटोरी मूंग दाल है, जिसे मैंने रात में ही पानी में भिगा दिया था। सुबह उठकर मैंने इसे अच्छे से धोया और चेक किया कि इसमें कोई भी पत्थर या फिर ठूंड, जो खड़ी मूंग कर्री होती है, वो ना रहे। वो चेक करने के बाद में मैंने इसे मिक्सी के जार में डाला है। हमने इसका एक स्मूथ बैटर बनाया है, एकदम चिकना, जिससे हमें इसके चीले बनाने में आसानी हो। और अपनी इच्छा अनुसार आप इसमें पानी कम या ज़्यादा बढ़ाकर अपना सेट कर सकते हैं। एक अलग बर्तन में हमने ये बैटर ले लिया और इसको देखा कि अच्छे से स्मूथ हुआ है कि नहीं। सारा इस तरह हमारा मूंग दाल जो भिगा हुआ था, हम उसे पीस लेंगे। पीसने के बाद में बर्तन में निकाल लेंगे। हम इसमें नमक स्वाद अनुसार और भुना जीरा या फिर अपनी इच्छा अनुसार कच्चा जीरा भी डाल सकते हैं। जीरा एक खुशबू देगा जब हम अपना चीला बनाएंगे। इसके बाद हम अपने इस चीले को डोसे की तरह तवे पर फैला लेंगे और अच्छा सा पतला बना के क्रिस्पी सेकेंगे। दोस्तों, साउथ में हम इसे पेसरेट्टू भी कहते हैं। ये बहुत पसंद किया जाता है, हेल्दी है। बच्चे वैसे मूंग तो बहुत नहीं खाते हैं, लेकिन इसके कारण वो खा लेंगे। अपनी चटनी को इस चीली के साथ एंजॉय कीजिए। मुझे ज़रूर बताइए आपको मेरा ये हेल्दी नाश्ता कैसा लगा, बच्चों को कैसा लगा। अगर आप इसमें कुछ चेंजेस चाहते हैं तो भी बताइए। आप इसमें अंदर कच्ची प्याज भरकर भी इसको बच्चों को दे सकते हैं, बच्चे पसंद करते हैं। दोस्तों, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल आइकन को ज़रूर बनाए जाइए।